So hello everyone and a very very warm welcome again to everyone on my channel. I hope आप सबकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी and 2x multiply कर दिया होगा आपने पढ़ाई करना and इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोज मिलते हैं and paper one को बहुत अच्छी तरीके से deal कर रहे हैं. आइए resume करते हैं अपनी इस series को where we are dealing with teaching aptitude के कई सारे important topics and आज की भी जो class है वो बहुत ज्यादा important होने वाली है आपके लिए. तो चलिए start करते हैं और देखते हैं What is the topic that we are going to do today? हम लोग ने कई सारे important चीजें कर ली हैं. आज का जो हमारा topic है test types. हम लोग ने evaluation देख लिया, NRT, CRT देख लिया, formative, summative, then हमारा diagnostic देख लिया, placement देख लिया. आज आपके टाइप ऑफ टेस्ट थोड़ा सा कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे अगेन आप डायग्नोस्टिक देखेंगे, प्रोग्नोस्टिक देखेंगे, एप्टीट्यूड देखेंगे, अचीवमेंट देखेंगे, प्रोफिशिएंसी देखेंगे और इसके अलावा भी दो और टाइप के आप टेस्ट देखेंगे. तो इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए. डायग्नोस्टिक के बारे में सबसे पहले बात करेंगे विच इज वेरी वेरी इजी फॉर एनी वन टू अंडरस्टैंड. हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हम लोग को प्रॉब्लम होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास अपने आप को डायग्नोज कराने जाते हैं एंड आप डायग्नोज तभी कराने जाते हो जब आपको शुरुआती तौर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है. तो दो चीजें आपको याद रखनी है डायग्नोस्टिक टेस्ट के केस में कि आप डॉक्टर के पास जैसे आपको थोड़ा सा बुखार आने लगता है, बिल्कुल ही मरने पे हम लोग पड़े होते हैं तब तो नहीं जाते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में बुखार आने लगता है तो फटाफट से डॉक्टर के पास जाते हैं. दैट मीन्स यू आर इनिशियली एट द वेरी बिगिनिंग यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, वन थिंग. दूसरी चीज है कि डायग्नोसिस हम लोग तभी कराने जाते हैं जब हम लोग को कोई डिफिकल्टी हो रही होती है, कोई प्रॉब्लम हो रही होती है. सेम ये दोनों चीजें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी अप्लाई करना है जहां पे आपका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना बेटा वो आपके स्टूडेंट की किसी बच्चे को प्रॉब्लम है वो एट द बिगनिंग ही आपकी टीचर जो है वो जज करना चाहती है, एसेस करना चाहती है एंड देन उसकी डिफिकल्टी या उस प्रॉब्लम को जान के उसके ऊपर काम करना चाहती है. हम लोग जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड को देखते हैं तो आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट एग्जाम्पल जो हम लोग ने तारे जमीन पर पिक्चर में देखा था कि ईशान अवस्थी का जो टीचर होता है वो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. उसको डायग्नोज करता है कि उस बच्चे को क्या तकलीफ है, वो डिसलेक्सिक बच्चा है, उसको पढ़ने में उसको सेम टाइप के जो शब्द होते हैं डी है बी है उसमें वो फर्क नहीं कर पाता है तो उसकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज है वो ईशान अवस्थी का डॉक्टर टीचर पता करता है एंड देन उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करता है. तो समझ में आ गया होगा आपको, डेफिनेशन देखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे. अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ऑफन यूज टू असेस स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट. ऐसा तो नहीं है कि साल खत्म होने के लिए छोड़ दिया कि तुम जब कर लेना बाद में हम देखेंगे कि हमको तुम्हारे साथ क्या करना है. वही बच्चे का पूरा साल खराब हो सकता है तो आप उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज पे एट द वेरी बिगनिंग ही काम करना स्टार्ट कर देंगे. इट इज प्राइमरीली यूज्ड टू डायग्नोस स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज एंड टू गाइड लेसन एंड करिकुलम प्लानिंग. अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है, हम लोग के स्कूल में जैसे होता था कि कुछ ऐसे बच्चे होते थे जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती थी उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, उनको लास्ट में रोका जाता था कि आप रुकें और इस सब्जेक्ट को उनको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता था. ठीक है, लेट्स से अ टीचर इज स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट इन फ्रैक्शंस इन मैथमेटिक्स. बिफोर डाइविंग इन टू द लेसन द टीचर एडमिनिस्टर्स द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू गॉज द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तब आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को यूज कर सकते हो. हम लोग जब भी बड़ी क्लास में जाते हैं, जैसे फ्रैक्शंस की यहाँ पे बात की गई है कि अगर आपकी टीचर को फ्रैक्शंस पढ़ाने हैं तो उससे पहले वो डायग्नोस करने की कोशिश करती है कि भैया डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट इनको क्लियर है या नहीं, तब तो जाके अभी आगे जाके ये लोग ऐसे फ्रैक्शंस वाला कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे. तो ये भी एक टाइप की डायग्नोसिस करना हुआ. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी था इसको समझना. प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है ये तो हम लोग ने कभी भी नाम नहीं सुना है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज है. प्रोग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपके टीचर या कोई भी आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो यूज कर रहा है बच्चे की प्रिडिक्ट करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस. जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग को बोर्ड में कितने अच्छे मार्क्स आएंगे क्या आएंगे उससे पहले हम लोग का एक प्री बोर्ड कराया जाता था एंड प्री बोर्ड बोला जाता था कि सेम उस तरीके से बना होगा एंड जो इसको देगा उसके जितने परसेंटेज आएंगे
वो प्रिडिक्ट कर पाएगा कि मेरे भाई बोर्ड में ऐसे ही परसेंटेज आने वाले हैं। हालांकि स्कूल वाले बड़ा झूठ बोलते थे, हमारे प्री बोर्ड को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते थे, जिसमें मार्क्स आपको ना मिले ना आप और पढ़ाई करते रहो, आपका मोरल डाउन हो जाए, आपको लगे यार मेरे तो इतने कम मार्क्स आए मैं फेल हो जाऊंगा क्या। तो प्री बोर्ड वाले मतलब ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। आपका प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बेटा, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, एक ऐसे टाइप का टेस्ट होता है जिससे आपके टीचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चे की आगे की परफॉर्मेंस, ताकि वो यूज कर पाए उस पर्टिकुलर बच्चे को किसी डिजायर्ड फील्ड के लिए, या फिर वो प्रिडिक्ट कर पाए कि ये बच्चा इस चीज के लिए ठीक रहेगा या नहीं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आई विल गिव यू फ्रॉम माई रियल लाइफ। हम लोग जब 8th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, तो 9th स्टैंडर्ड में हमारी नई प्रिंसिपल आने वाली थी, एंड शी वांटेड कि भाई 9th क्लास में जो सेग्रीगेशन है वो बच्चों के दिमाग के हिसाब से हुए। आप लोग ने भी कभी ये फेस किया होगा तो जरूर से कमेंट करके बताना। तो हमारे स्कूल में बनाया गया 9th ए, 9th बी एंड 9th सी। ये जो आपका टेस्ट है ये आप लोग देख लो भाई, यहाँ पे 9th A, 9th B और 9th C बनाने जाने वाला था हमारे 9th में, एंड वी वर इन 8th। तो 8th का जब फाइनल एग्जाम्स वगैरह अलग होने से पहले ही हम लोग का एक एग्जाम ले लिया गया था, जिसके बेसिस पे टीचर्स प्रिडिक्ट कर पाए कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में जाने लायक है। जो बड़े इंटेलिजेंट वाले बच्चे थे उनको 9th A में भेज दिया, जो एवरेज वाले बच्चे थे उनको 9th D में रख दिया, और जो बिल्कुल ही नालायक बच्चे थे, जो फेलियर होते थे, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, उनको 9th C में भेज दिया। तो वो जो एग्जाम लिया ना हमारे टीचर्स ने, वो एक टाइप के प्रोग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, जो प्रिडिक्ट करने के लिए उनके लिए काम आया कि कौन से बच्चे को हम लोग किस सेक्शन में फेंक सकते हैं। तो ये एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट हेल्प्स एजुकेटर्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु मे रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट और एनरिचमेंट बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल फॉर सक्सेस। यहाँ पे तो बहुत ही मीठी मीठी भाषा में लिखा हुआ है कि प्रोग्नोस्टिक टेस्ट आप करते हो और फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस बच्चे को ज्यादा जरूरत है पढ़ाई की, ठीक है। तो आई टोल्ड यू कि प्रोग्नोस्टिक टेस्ट आपका प्रिडिक्ट करने के काम आता है। इसी के जैसा है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग कहते हैं ना कि आपका जो नेट का पेपर वन है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए होता है। वो ये टेस्ट करने के लिए नहीं होता है कि आपको उस सब्जेक्ट कितनी नॉलेज है। एप्टीट्यूड टेस्टिंग पेपर जो होते हैं वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के कितने ज्यादा जानकार हो। जो हम लोग ने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पढ़ी थी, आपको अलग अलग फील्ड के बारे में क्या पता है, इसको हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज डिजाइन टू असेस व्हाट अ पर्सन इज केपेबल ऑफ डूइंग। भाई आप लोग पेपर वन देते हो तो आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड भी करते हो, आप लोग रिसर्च एप्टीट्यूड भी करते हो, कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस करते हो, आईसीटी के भी करते हो, पीएनवी करते हो, एचई करते हो आप, देन आपकी लॉजिकल रीजनिंग इतनी कठिन आती है, आपके आजकल के नए नए करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो ये एक टाइप का पेपर वन हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह काम करता है। ये किसी सब्जेक्ट की मास्टरी जानने के लिए नहीं काम करता है, वो अभी आगे आएगा। ये जो आपका पेपर वन है वो आपका एप्टीट्यूड जानने की कोशिश कर रहा है कि मल्टीपल फील्ड्स में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। अगेन आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। मेरे स्कूल टाइम में एक एग्जाम होता था, ओलंपियाड एग्जाम, ठीक है। आप सब लोग में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा ओलंपियाड एग्जाम में ना बड़ा ये ऐसे टाइप का पेपर होता था जिसमें अलग अलग फील्ड्स के क्वेश्चन होते थे, एंड हमारे ही जो साथ में बड़े इंटेलिजेंट पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो ओलंपियाड टेस्ट देने जाते थे। भाई हम लोग तो नहीं जाते थे, हम लोग एवरेज स्टूडेंट्स थे, हम लोग से स्कूल की ही पढ़ाई नहीं खत्म होती थी, लेकिन ये लोग स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ओलंपियाड टेस्ट भी देने जाते थे, जिससे इनका एप्टीट्यूड पता लगता था, एंड ये लोग ना टीचर्स के बड़े फेवरेट हो जाते थे कि ये बच्चा देखो कितना इंटेलिजेंट है। तो आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना वो आपके बौद्धिक लेवल को जानने की कोशिश करता है कि व्हाट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ, ठीक है। इट एम्स टू असेस द स्टूडेंट्स मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जो हम लोग ने हार्वर्ड गार्डनर की पढ़ी थी, जैसे स्पेशल रीजनिंग एबिलिटीज, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरेस्ट इन ऑटोमेटिव फील्ड। आपके इस एग्जाम के अंदर, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि भाई ये आपको डेफिनेशन लिख दो, इसका एग्जाम्पल बता दो, मैच द फॉलोइंग। बड़े दिमाग लगाने वाले इसमें एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप लोग पेपर वन में देखते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, मेरे पास मेरी जिंदगी में हर चीज के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर. अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो स्पेशली डेवलप किया जाता है जज करने के लिए आपकी किसी पर्टिकुलर स्किल को या फिर किसी नॉलेज को. आपने भैया 15 दिन स्कूटी सीखी, उसके बाद आपके 16वें दिन आपका जो वो होता है जिसने भी आपको सिखाया होता है इंस्टीट्यूट में, वो बोलता है कि आपको 16वें दिन टेस्ट देना पड़ेगा, ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा. तो वो एक तरीके से अचीवमेंट टेस्ट की तरह काम करेगा कि भाई जितना तुमने स्किल सीखी तुम्हें आया कि नहीं. अगेन आप लोग जो यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो वो एक तरीके से अचीवमेंट टेस्ट होगा आपका कि इतने जो महीने तुम लोग पढ़ के आए हो तो इसमें तुम लोग को कितनी मास्टरी हुई है, ये आपका अचीवमेंट टेस्ट बन जाएगा. बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट developed to measure skills and knowledge learned in a given grade level, usually through planned instructions such as training or classroom instructions. हम लोग के एग्जाम जो फाइनल एग्जाम्स हम लोग के होते हैं वो भी हम लोग का अचीवमेंट टेस्ट हो जाएगा कि साल के आखिर में आपके एक स्टैंडर्डाइज तरीके से कि 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, इतने इतने questions करने होंगे, ये आएगा, आपके पूरे साल भर की मास्टरी एंड अचीवमेंट जानने की वो कोशिश करते हैं. सिंपल. आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला टेस्ट हमारा कौन सा है. नेक्स्ट अप वी हैव प्रोफिशिएंसी टेस्ट. देखते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है. ये थोड़ा अलग टाइप का आपका टेस्ट है, ये आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट में यूज नहीं किया जाता है. और प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेजर्स लर्नर्स लेवल ऑफ लैंग्वेज. यहाँ पे स्पेसिफिकली बेटा एप्टीट्यूड पे ध्यान नहीं दिया गया है, किसी की लर्निंग डिफिकल्टीज पे ध्यान नहीं दिया गया है, किसी सब्जेक्ट की मास्टरी पे ध्यान नहीं दिया गया है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लेवल ऑफ लैंग्वेज. बहुत पहले आई टोल्ड यू पीपल दैट आई एम प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी एंड उसके लिए आई विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्स. आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम टीचिंग माय, आई एम टेकिंग क्लासेस इन जर्मनी, मतलब जर्मनी सीखने की जो नई भाषा है उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अगर इफ आई एवर मूव आउट तो मुझे आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा. जितने भी बच्चे अब्रॉड जाने का सोचते हैं तो उनको ये वाले एग्जाम देने होते हैं जहां पे उनकी इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को जज किया जाता है कि आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी है. भाई बाहर के देश में जाने के काबिल हो कि वहां पर जाके आप भोजपुरी बोलने लगोगे, मतलब कि आपकी, आपको जिस देश में जा रहे हो, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश से मतलब नहीं. इफ आई एम मूविंग इन टू फ्रांस तो वहां पे मेरे जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा वो फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज में कराया जाएगा. इफ आई एम मूविंग इन टू जर्मनी तो जर्मन लैंग्वेज में कराया जाएगा. तो ये एक स्पेशल टाइप का आपका टेस्ट होता है जहां पे आपकी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को जज किया जाता है. एग्जाम्पल है आपका आईएलटीएस का एग्जाम और ये आपका दूसरा एग्जाम. सिंपल है, क्लियर हो गया होगा, ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है. अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं. अ टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स. एक टीचर है उसको फाइंड करना है एक बच्चे की, कुछ बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज. कीवर्ड आ गया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड. आपका इसमें से कौन सा टेस्ट एक बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज, कहां उसको दिक्कत आ रही है बेटा, वो जानने में आपका कौन सा टेस्ट आपकी हेल्प करेगा. सबमिटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट. जल्दी से कमेंट करो एंड शो मी कि आप लोग को समझ में आया है ये टॉपिक या नहीं. बहुत ही इजी है इसको समझना, हम लोग ने कीवर्ड्स के जरिए देख लिया है इसको एंड आई होप आप लोग ने अभी तक आंसर दे दिया होगा. विच इज डायग्नोस्टिक टेस्ट. आपका डायग्नोस्टिक में दो ही कीवर्ड हम लोग ने पढ़े थे. एक हम लोग ने पढ़ा था कि या तो एट द बिगिनिंग में आपका होगा या फिर आपका डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, बच्चे की कॉज एंड इफेक्ट ढूंढने के लिए आपके ये दो कीवर्ड्स बन जाएंगे. ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसर्टेन्स. अब डायरेक्टली आपसे पूछा है कि आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या एसर्टेन करने की कोशिश करता है. पॉइंट नंबर वन, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. ये तो सही है, ये हम लोग ने पढ़ा था. देन पॉइंट नंबर सेकंड, कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस. ये भी मुझे सही लग रहा है. Then point number 3, degree of achievement in of instructional objectives at the end. तो ये तो आपका नहीं होगा. ठीक है, लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर आफ्टर द इंस्ट्रक्शन. लर्निंग में आपको क्या प्रॉब्लम हुई उसके बाद फेलियर आपका हो गया, तो ये नहीं है. नाउ हम लोग के सामने पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पे हम लोग को दो ऑप्शन सही लग रहे हैं. तो यहाँ पे बेटा अब आपको
अपने अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाना पड़ेगा कि या तो आप डायग्नोस्टिक में इसको क्लिक करोगे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज करने की कोशिश करता है एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, आपके इंस्ट्रक्शंस अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं और उससे पहले वो प्रॉब्लम उसकी जानने की कोशिश करेगा, या फिर आपका कॉज और रेमेडी जानने की कोशिश करेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई और उसका मैं क्या उपचार कर सकती हूँ। आपका डायग्नोस्टिक अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो उपचारात्मक आपका शिक्षण होता है कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या उपचार निकाल सकती हूँ। तो दोनों में से आप किसी भी एक को क्लिक कर सकते हैं। आपका आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी लगा था दोनों में कि यार ये वाला होगा या ये वाला होगा। आपका आंसर आपके नेट ने सेकंड वाले को माना है। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जहां पे दो ऑप्शन सही लग रहे थे, तो ये अगेन हम लोग लक पे छोड़ेंगे, जिसका दिमाग जिस टाइम पे जो काम करेगा आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा मुझे कैच लग रहा था, अगर आप लोग फील कर पा रहे होंगे, दिमाग जिस बच्चे ने लगा लिया होगा, आई थॉट कि ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, तो ड्यूरिंग जो थोड़ी चीज है ना, हम लोग याद करो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर पढ़ते थे, लेकिन आपके नेट ने यही एग्जाम्पल यही आंसर दिया है, क्योंकि बेटा यहाँ पे कॉज और रेमेडी के भी बारे में बात की गई है और फॉर्मेटिव में हम लोग कॉज और रेमेडी वाली चीज नहीं करते थे, सो ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। आप देख पा रहे होंगे कि एक टॉपिक से कितने सारे आपके क्वेश्चंस बने हैं, तो बहुत ही सीधा सा इसका आंसर है, वो कौन सा आपका टेस्ट है, कौन सा इवैल्यूएशन आप कराओगे जो एक बच्चे की डेफिशिएंसी मतलब कमी को जानने की कोशिश करेगा, उसको कितनी दिक्कत हो रही है उसको जानने की कोशिश करेगा, ये है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्लियर है बेटा? आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो आई ब्रिंग दैट फॉर यू कि नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कभी भी इससे एक रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम लोग के सामने है एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन जिसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे और परेशान नहीं होंगे बड़े क्वेश्चन को देख के, कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम में भी जब जाना मेरी बातों को याद रखना, किसी भी बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना मत, परेशान मत होना, जस्ट बी काम एंड कहना कि भाई ये क्वेश्चन ही है, कोई सांप नहीं है जो मुझे डस के मार देगा, उसमें से कीवर्ड ढूंढना स्मार्टली, उस सांप से ऐसे कट मार के निकल जाना। ठीक है, In a school in which there is a large number of failures, आपका एक स्कूल है जहां पे आपको बहुत सारे failures मिल रहे हैं, मतलब बच्चे काफी ज्यादा फेल हो रहे हैं, you may like to develop test for the eliminating those who are likely to have substantial difficulties in meeting the academic goals of the teaching. आप एक टेस्ट रन कराना चाहोगे उन बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है एकेडमिक गोल्स को अचीव करने में। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बस डिफिकल्टी दिख गया होगा एंड आप लोग तुरंत डायग्नोस्टिक की तरफ दौड़ते दौड़ते जाओगे, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं करना है बेटा कि सिर्फ कीवर्ड दिख गया और मैं बिल्कुल ब्लाइंड होके आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज ये तुक्केबाजी वाली चीज नहीं चलेगी कि मैम ने बता दिया और मैंने जाके कर लिया। भाई नेट लेवल के आप लोग बच्चे हो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। ठीक है, आपकी जो यहाँ पे बोला गया है, आई एम अगेन गोइंग टू रीड, यू मे लाइक टू डेवलप टेस्ट फॉर एलिमिनेटिंग, आपको कौन सा टेस्ट ऐसा इसमें से डेवलप करना पड़ेगा जो बच्चों को एलिमिनेट करने के काम आए कि ये बच्चा सही नहीं परफॉर्म कर रहा है, हमारी क्लास की रैंक खराब कर देगा, तो इनको पहले ही मैं एलिमिनेट करूं। तो ऐसा अगर आपको टेस्ट डेवलप करना पड़े तो वो कौन सा टेस्ट होगा, आगे पढ़ते हैं। For this, you need to develop a test that should be able to predict the individual's ability or readiness to undertake the study of the school subject successfully. What is the name of such test? आपके स्कूल में कई सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, आपकी क्लास का आपके स्कूल का नाम खराब हो रहा है, आपको कोई एक बहाना चाहिए कि भाई मैं इनको कैसे बाहर निकालूं या फिर एलिमिनेट करूं उन बच्चों को जो आपके स्कूल का नाम खराब कर रहे हैं, तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा उनके एग्जाम से पहले ही कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में भी फेल ही होने वाले हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम है? हम लोग का एग्जाम है ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, जो पहले ही आपके प्रिडिक्ट करने का काम करता है एंड इट हेल्प्स यू टू एलिमिनेट और फाइंड आउट दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग वेल एंड हेंस आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा याद रखना कि अगेन आपको कीवर्ड्स में अंधे नहीं हो जाना है, आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो आपको ऐसे हल्के में नहीं लेना होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5,
एज अ टीचर यू विश टू प्रिडिक्ट द कैपेसिटी. अब देखो प्रिडिक्ट आ गया, अब प्रिडिक्ट जैसे ही आ गया होगा सारे बच्चों को लगेगा अरे वाह मजा आ गई और प्रोग्नोस्टिक ही इसका आंसर होगा. तुरंत जाओगे और ढूंढोगे कि प्रोग्नोस्टिक टेस्ट हमारा कहाँ है, चारों ऑप्शन देखोगे प्रोग्नोस्टिक नहीं दिखाई देगा. अब क्या करें भाई, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे. एज अ टीचर यू विश टू प्रिडिक्ट द कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल सक्सेस इन योर सब्जेक्ट. आप एज अ टीचर चाहते हो, प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि एक बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, उस बच्चे की कितनी पोटेंशियल है. ये मेरे बोलने से ही आप लोग को हिंट मिल गया होगा कि जब एक पर्टिकुलर बच्चे की और पोटेंशियल्स को जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है. Your main purpose is to predict or to identify individuals who give the greatest potential for the development along special lines or who are likely to profit most by special training. आप एक टेस्ट रन कराना चाहते हो जहां सबसे पहले आप बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज है, उसकी क्या पोटेंशियल है वो टेस्ट कराओ. दूसरी चीज आप ये जान पाओ कि इसमें से मुझे इस बच्चे को अगर मैं ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर लूं जिसका मैंने ये टेस्ट लिया है तो ये आगे न जाने क्या क्या करके दिखाएगा. तो ऐसे में आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना होगा. आप लोग को हिंट तो मिल गई है, आपका टेस्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट जो हम लोग ने पढ़ा था, जो आपके नॉर्मल चल रहे बच्चों के साथ ही साथ एक ऐसा आपका टेस्ट होता है जो बच्चे की बाकी टाइप की इंटेलिजेंस को भी जानने में, उसकी पोटेंशियल उसकी कैपेबिलिटीज को जानने के काम आता है. तो दो क्वेश्चन बेटा हम लोग ने ऐसे देखे जहां पे हम लोग को लगा कि कीवर्ड के जरिए तो कुछ और आंसर निकलता, वेयर एज ध्यान से पढ़ने पे कुछ और आंसर निकलता है. तो ये आप लोग के लिए एक सीख भी हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको नहीं चलना है, अपना दिमाग भी लगाना है. ठीक है, चलो इसी बात पे हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक टाइप का टेस्ट, दूसरे टाइप का टेस्ट, उसके क्वेश्चंस, आपका वीडियो खत्म. ठीक है, टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट. यहाँ पे देखो हम लोग टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट असेस बिहेवियर. आपके अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, इस बच्चे को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इस बच्चे को किस सब्जेक्ट में मास्टरी मिल चुकी है, ये सारी चीजें हम लोग टेस्ट के जरिए देख रहे थे. यहाँ पे हम लोग बात करने लगे हैं एक ऐसे टेस्ट की जो एक बच्चे का बिहेवियर जज करता हो. यहाँ पे आपके क्वेश्चन और आंसर और मार्क्स और रैंक से मतलब नहीं है, एक बच्चे का बिहेवियर कैसा है वो टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट आपका जज करता है. दीज टेस्ट आर यूज टू मेजर एटीट्यूड. एक बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, उसके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है, उसके वैल्यूज कैसे हैं, उसके ओपिनियंस कैसे हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ये सारी चीजें आपका टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट जज करता है. In this case, an individual's performance is assessed according to a given situation. कोई एक particular situation दी होती है कि भाई तुम्हारे सामने अगर class में ऐसी कोई situation हो जाए तो तुम खड़े होके जरा बताओ कि तुम अगर इस class में होते तो ऐसी गंभीर situation में क्या करते. तो क्या ये हम लोग उस बच्चे की intelligence को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके aptitude को, उसके rank को? नहीं, हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और सारी चीजें, उसके behavior को, उसके attitude को, कि अगर कोई situation आ जाए तो ये बच्चा किस तरीके से respond करेगा. तो यहाँ पे जो आपके आंसर्स होते हैं ना बेटा वो राइट और रॉन्ग में आंसर्स नहीं होते हैं, बट आइडेंटिफाई चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, स्ट्रेंथ्स और फीलिंग. आपके जो ऐसे टाइप के टेस्ट होते हैं जहां पे आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देके पूछा जाता है कि तुम अगर इस जगह होते तो क्या करते. हम लोग कई बार हम लोग के साथ जीवन में ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स पूछते हैं, वो उस केस में ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि तुम्हें बुद्धि कितनी है, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज को जज करने की तुम्हारी अप्रोच कैसी है, उस अप्रोच को जान के. आजकल तो आए Even told you people in one of my videos कि आजकल तो जॉब में भी जाओ ना तो वो आप लोग से बड़े अतरंगी टाइप के सवाल पूछते हैं. Some I went to two of the schools for giving my interview and वहाँ पे मुझसे पूछा गया कि what kind of partner are you looking for yourself. तो भाई स्कूल का पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं था. वहाँ पे वो लोग मेरा टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट ले रहे थे कि अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये किस टाइप से आंसर देती हैं या अपने आप को प्रेजेंट करती हैं. ठीक है, आई होप आप लोग को एग्जांपल समझ में आ गया होगा. टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका दूसरा है. मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. दीज असेस द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इफेक्टिवली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. आपके जो टास्क बेस्ड होते हैं कि बिग बॉस ने जैसे आपको टास्क दे दी कि इस
ये टास्क दिया है, बहुत सारे लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है. परफॉर्मेंस ऑन दीज टेस्ट विच इंक्लूड एबिलिटी टू एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट कैन बी जस्ट एज राइट और रॉन्ग. एंड एप्टीट्यूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. ये बड़ा सिंपल है, आपके मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, आई होप आप लोग को डिफरेंस पता है कि एप्टीट्यूड कॉग्निटिव लेवल को जानने की कोशिश करता है, एटीट्यूड आपकी फीलिंग साइकोमोटर या इफेक्टिव लेवल को जानने की कोशिश करता है, नॉट साइकोमोटर, इफेक्टिव. ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपके सामने. मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी. सब लोग ने अभी अभी देखा मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आपकी एप्टीट्यूड को जानने की कोशिश करता है. Typical response tests are designed to measure the behavior and characteristics of examinees. आपका typical performance test आपके attitude and behavior को जानने की कोशिश करता है. तो इसी के साथ हमारा answer सही बन जाएगा. Both statement one and statement two are correct. ठीक है, आई होप आप लोग को ईजी लग रहा होगा. जो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं या वन टाइमर क्वेश्चन होते हैं वो आई सॉल्व फॉर यू. ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटरी, एप्टीट्यूड टेस्ट या एटीट्यूड स्किल्स. यही एप्टीट्यूड और एटीट्यूड आपको एग्जाम के टाइम में बड़ा कंफ्यूज करेगा, तो नोट्स बनाना तो देख लेना. आपका टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ओपिनियंस, इंटरेस्ट, इन सबको देखेगा. मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आपका एप्टीट्यूड को देखेगा, जो आपका आंसर बन जाता है. और इसी के साथ हम लोग खत्म करेंगे आज की क्लास को. बहुत ही शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट क्रिस्प क्लास लगी होगी आप सब लोग को, जहाँ पे हम लोग ने जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजों को क्या कर लिया, पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस देख लिए, एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अप टिल अब हम लोग कल फिर से एक नया टॉपिक को उठाएंगे और इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को लगाते हुए तेजी से अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को खत्म करेंगे, ताकि हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर पाए. अच्छी लगती हूँ आपको मेरी क्लासेस एंड ये पूरा चैनल इन जनरल, तो जरूर से लाइक करिए. आप जो फील करते हैं उसको जरूर से कमेंट किया करिए, बहुत सारे बच्चे करते हैं. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर ब्यूटिफुल एप्रिसिएटिव वर्ड्स. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ा छोटा सा लिखते हैं, कोई बात नहीं, वो भी बहुत अप्रिशिएबल है. कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अपने मन के ख्यालात बिल्कुल लिख देते हैं, एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी टू रिसीव कि आप लोग इतना अच्छा फील कर रहे हो, इतने अच्छे से समझ रहे हो. तो दिस इज लाइक आई रियली फील वेरी हैप्पी. मेरे पास शब्द भी नहीं होते हैं बताने के. आप शेयर कर सकते हो अपने बाकी सारे ग्रुप में इस क्लासेस को, कि हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करते हैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, जहाँ पे बच्चे का टाइम खराब किए बिना हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई ट्राई टू डिलीवर यू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. You can get instant notifications of any of the videos or any kind of update, and then you can get direct links to all of my videos. So up till then, bye and take care. Keep studying. If you have any problem, you can comment down below and contact with me always through your Telegram or through your comment section. Up till then, bye and take care.